रिटर्न आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया, फेरी ले लिया, राइड का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मैं सभी को रिकमेंड करूँगा आइए तो फेरी का ही राइड जरूर लीजिए, 8 बजे तक शायद फेरी चलती है ये वाली, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सेफ्टी रिलेटेड कुछ है थोड़ा उन्होंने कुछ ऐसा नहीं था, बट फिर भी ठीक है, हाँ एक्सपीरियंस अच्छा है। आराम से जाइए, धीरे धीरे जाइए, घूम फिर कर आ जाइए। वो समुद्र से जो मुंबई को देखने का जो नज़ारा होता है उसकी आप कोई वो नहीं कर सकते, नो वर्ड्स, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे साथ पास। और मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं ये है ताज और ये है गेटवे ऑफ इंडिया। तो भाई कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस, मज़ा आया? मज़ा आया राइड करने के साथ, रह के बहुत एंजॉय लिया। अच्छा एक दिन में अभी दूसरी लोकेशन पहुंचे, बोले थे आधी मुंबई गचड़ देंगे, आधी मुंबई को कवर कर लेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ मरीन ड्राइव गए हैं और गेटवे ऑफ इंडिया आए। अभी क्या सुबह से नाश्ता करके निकले हुए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, यहाँ से निकल के कुछ खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट लोकेशन कहाँ जा सकते हैं। वैसे मेरे यहाँ से नियर बाई पड़ता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और काला घोड़ा, उधर से होते हुए मैं सोच रहा हूँ फिर हम महालक्ष्मी सिद्धिविनायक देखते हैं, जो मिलता है जैसा टाइम होता है उस हिसाब से हम निकलते हैं। तब तक आप ये कुछ गेटवे ऑफ इंडिया के सिनेमेटिक्स व्यूज़ हैं वो व्यूज़ को एंजॉय करिए। इवनिंग का टाइम है, पब्लिक काफ़ी अच्छी है, ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये फेरी के लिए लाइन लगा रखी इन सब ने, ये रही ये छोटी वाली फेरी में ये लेकर जाते हैं और काफ़ी लंबी लाइन है। 8 बजे तक ये फेरी चलती है, 80 रुपये इसका फेयर है और आधे घंटे का ये बोलते हैं कि हम राउंड या ट्रिप कराते हैं, बट आधे घंटे का वो नहीं होता है, जस्ट 15 मिनट का होता है, क्योंकि मैं अभी जाके बैठ कर आ चुका हूँ। तो आओ एक बार फेरी का भी एक्सपीरियंस ले लो, आप समुद्र में दरिया में जाकर एक राउंड लगाकर आ सकते हो। और अभी टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का, तो हम यहाँ से अब निकलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन की ओर। अभी हम आ चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल जिसे कहते हैं, जस्ट मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर बहुत ही ब्यूटीफुल जगह बनी हुई है, अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी हुई थी, इसलिए आज भी इसका रखरखाव काफ़ी अच्छे से, मेंटेनेंस काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, उस वजह से ये देखने में काफ़ी सुंदर है अभी भी। और ये मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हो BMC हेड क्वार्टर, इसका भी रखरखाव काफ़ी अच्छा किया गया है और काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, एक बार आप आइए यहाँ पर आकर विज़िट करिए। और जस्ट यहाँ पर अगर आपको सेल्फी वगैरह क्लिक करानी है तो ये मेरे पीछे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाकर आप सेल्फी क्लिक करा सकते हैं।
दोस्तों एक बार फिर मेरे चैनल में स्ट्रेच व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है और मैं आ चुका हूँ बांद्रा फोर्ट बैंड स्टैंड, जहाँ पे बांद्रा वाली सीलिंग का बहुत ही शानदार अमेजिंग व्यू दिखता है। अभी जस्ट मेरे सामने ही सनसेट हुआ है, अभी आधा दूर है क्योंकि बादलों के बीच में सन लुप्त हो चुके हैं, सन नहीं दिख रहे हैं हमें, बट फिर भी ये सनसेट का टाइम है। काफ़ी अच्छी पब्लिक, काफ़ी अच्छा क्राउड है यहाँ पर और मैं आया हूँ मेरे फ्रेंड के साथ, जो कि आज लास्ट डे है और ये कल का वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाया था क्योंकि हम काफ़ी टायर्ड हो चुके थे और हमने सिर्फ 3 लोकेशन विजिट की थी। आज मैंने सिद्धिविनायक भी विजिट कर चुका हूँ लेकिन वो मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिया था तो मैंने उसका शूट वगैरह नहीं किया। लेकिन अभी मैं नीचे आकर बैंड स्टैंड के एंड में ये बांद्रा फोर्ट है, जहाँ पे बांद्रा वाली सीलिंग आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, ये वो वाला व्यू पॉइंट है। मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आज के मैं व्लॉग को ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।